सबसे पहले आपको www.owin.government.in पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर्ड और साइन इन योर सेल्फ का। रजिस्टर्ड और साइन इन योर सेल्फ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको अपना नंबर डालना है। अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे गेट ओटीपी लिखा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आपने गेट ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ओटीपी पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करना है। आगे प्रोसीड करना है, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको रजिस्टर्ड करना है। आधार कार्ड नंबर से आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपके पास हो। तो मैंने इधर जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया, उधर आपको नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, वो सब डालने के बाद ऐड करना है। जैसे अपने आप को ऐड करोगे आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर, आपकी ईयर वगैरह। नीचे शेड्यूल का ऑप्शन आएगा, तो इस शेड्यूल का ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेड्यूल का ऑप्शन क्लिक करने के बाद शेड्यूल नाउ लिख के आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आगे क्लिक करोगे सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिन आएगा, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना, नीचे में अपना ग्वालियर सेलेक्ट करना है। ग्वालियर सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करना। इस पे दो ऑप्शन आएंगे, 18 और 45 प्लस, 18 प्लस एंड 45 प्लस। तो आपको 18 प्लस सेलेक्ट करना है। 18 प्लस जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शन दिख जाएंगे, मतलब जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे नीचे। तो आपको जो भी नज़दीकी लगता है तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद बुक्ड, अभी तो ये सब आपको 10 तारीख का दिख रहा है, पूरा बुक आ रहा है, फुली बुक लिख के आएगा। ये 6 से 7 बजे ओपन हो जाएगी 11 तारीख की इवनिंग के टाइम पे, 9 से 11 जो भी आपको टाइम सेलेक्ट करना है। आपको टाइम जो सही लगेगा उस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है आगे। और लास्ट में आपको फिर जैसे ही आपका सब सक्सेस हो जाता है, ऐसा ये एक लिख के आ जाएगा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली। उसमें आपका सेंटर का नाम लिखा होगा, डेट लिखा होगा और टाइम लिखा होगा। जैसे ही आपका फर्स्ट वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा, अप्रॉक्स कुछ घंटे बाद जैसे ही आप विंडो ओपन करोगे तो आपका ऐसे लिख के आ जाएगा कि आपका डोज 1 कंप्लीट हो चुका है, और डोज 2 के लिए डेट लिख कर आ जाएगी। तो आप डोज 2 की जो आपको डेट लिख के आएगी, तो उस टाइम पे आप अपना अपॉइंटमेंट डोज 2 के लिए लेकर और अपना सेकेंड डोज कंप्लीट करवा रहे हैं।